अच्छा कहा कि कुछ ही लोग जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी हम मनाने का काम करेंगे और वे भी विरोध में नहीं रहने का। जितनी वोट पड़ेगी वे भी बीजेपी के पक्ष में ही वोट आएंगे। अरे भाई एक बात बताओ, इस ये जो घोषणा हुई है, अगर भाई बीजेपी को हराओ और जो इसे हराता उसे वोट कर दो, किस पार्टी को वोट कर रहे है भाई? कहां अपना राजनीतिक वर्चस्व बना रहे भाई? क्या किसी राजनीति के मुखिया से बात करी है आपने कि वहां राजपूतों को सम्मान मिलेगा? या सपा का हरा रहा सपा को वोट देते, बसपा का हरा रहा बसपा को वोट देते, क्यों देते भाई? क्यों दे दे? हारो या जीतो, पत्थर एक जगह पड़ा हो, भारी हो, बिल्कुल चूकना कर दियो, भारतीय जनता को वोट करियो, राजनाथ सिंह का हाथ मजबूत करियो, बाबा योगी के हाथ मजबूत करियो। वही बात, चार दिन पहले अखिलेश यादव जी जहां मुख्तार अंसारी के भाई को भूखे लग रहे थे, पहले देख लो मुख्तार अंसारी ने बाबा योगी आदित्यनाथ के काफिले पर जानलेवा हमला करवाया था, सब कुछ हाथ पता भी हो। अगर उसका काम पूरा हो जाता तो मैं कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे आदमियों से सावधान रहने की जरूरत है। रही हरेंद्र मलिक की बात, इसके चक्कर बनाओ, अपने विवेक का काम लो भाई। राजपूतों की एकता की बात चली तो गांव में कुछ लोग राजपूत भाई आते हैं, एक छोटे से बच्चे ने कुछ अपशब्द कह दिए, हमने उसे धमकाया और उनसे कहा आप निश्चिंत होकर आओ और अपनी बात रखो। हमने बड़े प्रेम से उनकी बात सुनी और बहुत ही शालीन तरीके से हमने भी अपनी बात रखी और एक सीधा सीधा मैसेज गया और वे मान के गए कि बा आप लोग तो भाजपा को वोट करेंगे। बाका जी बिल्कुल करेंगे, निसंदेह करेंगे, बहुत ही शालीन तरीके से अपनी बात कही। लेकिन जब वे आए और सामाजिक बैठक का उन्होंने आह्वान करा तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक शंका थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है तो ये लोग निश्चित रूप से राजनीतिक उद्देश्य के लिए आए हैं और वह शंका सही भी साबित हुई। उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे मंच से कहा कि भाई भाजपा को वोट ना करियो। हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी को आप सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। एक सामाजिक मंच से किसी राजनीतिक पार्टी को टारगेट करें, और वो भी वो पार्टी जिसने राजपूत समाज को पूरा सम्मान दिया हो, इस पूरे देश को रक्षा करने का दायित्व दिया हो, रक्षा मंत्री हमारा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा, भाई राजपूत के सम्मान में कहां कमी है? कहीं कमी नहीं। जब सामाजिक बैठकों में और सामाजिक मंच से राजनीतिक उद्घोषणा की जाती है तो निश्चित रूप से सामाजिक विवेचना फैलती है, क्योंकि तो सब अलग अलग मत क्यों हो सकते हैं? कोई भाजपा के विचारधारा से प्रभावित है तो कोई लोक दल की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन वो राजपूत समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 99% जाता है और उसमें एक समाज का महानुभव जो एक किसान संगठन को चलाता हो, उसमें तो यार बिरादरी की बात वैसे भी नहीं होनी चाहिए, एक किसान संगठन उसमें बिरादरी की बात, और उसका अध्यक्ष ऐसे आह्वान करता है, उन्हें तो अगर आह्वान ही करवाना था तो समाज के जिम्मेदार आदमी उसे आह्वान करवाते और समाज के जितने भी अध्यक्ष थे उन्हें बुलाया जाता और उनसे मंत्रणा की जाती और तब कोई उद्घोषणा होती। बस एक बात कहकर भाई राजपूत आ जाओ और सिर गिरवा दो और मैं घोषणा कर दूंगा जयशंकर की नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होने का। समाज में बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, जैसे इस ओबीसी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, निश्चित रूप से वे उद्घोषणा करो, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर उन्हें घोषणा करती तो सभी अध्यक्षों को बुलाया जाता, कहां सम्मान में कमी है राजपूत की? एक ऐसा संत, एक ऐसा राजा जिसकी विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न देशों में मांग होती है, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ कहां सम्मान में कमी है, जिन्होंने एक एक अपराधी को समाज तक चुक दिया, बहुबेटियां सुरक्षित, रात बिरात में कहीं आओ जाओ
कोई हमारे सम्मान में कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया, मैं संगठन में सीनियर हूं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भाई रामनाथ आए और समाज में काम करा, संगठन में काम करा, तो संगठनों ने उन्हें भी सम्मान देने का काम करा। उन्होंने दो जिले का जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कहां कमी में है आपके सम्मान में? और सुन लो भाई, मंच से उद्घोषणा होने अकबर बाबा घासीराम पूर्व अध्यक्ष वे भी साथियों सहित आए हैं। ये सब जो घोषणा हो भाई रामनाथ ही करवावे, थारे ही समाज का आदमी वहां से उद्घोषणा करवाता है, नहीं तो थारा नाम भी ना बोलता मंच से। इसलिए अपने समाज का आदमी जो राजनीति में सक्रिय हो उसे बिल्कुल आगे बढ़ाने का काम करो। वोट वाले मामले को लेकर 19 तारीख वाले को एनडी बीजेपी, तो पहले तो ये देख लो भाजपा ने क्या करा क्या नहीं करा, सारा मामला देख कर जब लिया जाएगा। झांकरों को या सवर्णों को पूछने वाला सबसे पहले कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में 10% आरक्षण जो लागू हुआ इसी की सरकार में हुआ, जो भी हमारे भाई थोड़े कमजोर हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% आरक्षण दिया गया। रही बात डॉक्टर साहब ने बताया, उत्तर प्रदेश में 7% आबादी ठाकुरों की है, और जो एक तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है ठाकुरों के टिकट नहीं हुए 12% 63 जो लोकसभा प्रत्याशी चुने गए हैं उनमें 12% ठाकुर कैंडिडेट है, अपने दिमाग में से निकाल दो। युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा। रही बात जिन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति को लगन दिया, आज वे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ठाकुरों की वोट लेने के लिए, और ये जो पंचायत हुई नड़ोते में इन्हें चार आदमियों ने किसने अधिकार दे दिया, अनेक सारी बिरादरी को बेचिया झोले में धर के इसका पुरजोर तरीके से विरोध करा जाए। और ऐसी पंचायत जैसी यहां हुई और एक दो होनी चाहिए, और समाज को जो है बरगलाने का काम कर रहे युवाओं को, उन्हें क्लियरिटी आनी चाहिए कि कौन थारे पक्ष में है कौन नहीं है। कुछ समाज में हमारे भाई ऐसे है देखा देखी चल पड़े लोगों को, ये कह के ले जाएगा कह ले गया, तो समाज के हिसाब से पंचायत है और वहां टोटल जो पहले से जैसे भारत भाई ने कही बात को खोल के, कोई किसी को खाने को नहीं दे रहा, स्पष्ट फंडिंग हुई, जिसे संगठन चलाना हो अपना संगठन चलाओ, सब साथ है। अगर कोई समाज को तोड़ने का काम करेगा बेचने का काम करेगा ऐसे आदमी तो खबरदार रहो, और इनका ही भूस भरने का काम करो पहले। इसका वो सबको पता है, समाज की कोई बात नहीं हुई वहां, वहां एंटी बिल्कुल एंटी बीजेपी थी वो, और जिस बिरादरी का मुखिया ही पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हो, और उसकी बाद भी हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। सारी बात सोच समझ लो। रही बात हर मंच का कहते हैं हमारी रियासत गई, हमारी तो गई नहीं, यहां जितने भी बैठे सब कर का खान वाले हैं, इनकी कोई रियासत नहीं गई, जिनकी गई होंगी 1947 में देश आजाद हुआ था, उसके बाद में रियासत गई थी, जिनकी रियासत गई वे महलों में है आज भी। ये गलत एक ये राजपूताना जो शब्द है मैं खोल का बता रहा, न मुझे किसी का कुछ चाहता, बात स्पष्ट करो जो दिमाग ले जलाओगे। युवाओं के दिमाग में राजपूताना भर भर के, राजपूताना इन्हें सही दिशा दो, इन्हें नशे पते तो दूर करवाओ, संघर्ष समिति का काम है यो, इन्हें करने खाने की बताओ। राजपूताना इनके जो चिक्के लगा रहे थे हम रोज, और इनका पंप मार मार के पथराव करवा रहे, तुम तो बैठ जाओगे करो। ये कोई 20,000 में वकील करेगा, कोई 50 में करेगा। जो मन करीमपुर में गया वो बहुत निंदनीय होया, कोई भी प्रत्याशी हम कह रहे सबको अधिकार है वोट देने का, वोट नहीं देनी वो बात अलग है, पर ईट पत्थर नहीं है सुनियोजित था, लाइट बंद करी है जैसा भी जो भी हुआ, पर ये जो युवा है ये भी समझ लो भाई, अपनी लड़ाई आपको लड़नी पड़े, ये तो आप फुरड़ फुरड़ करके घर में बैठ जाएंगे, बाद में 19 तारीख तक बाद में थारे पे संबंध आवेंगे, जो गलती करेगा सरकार में उसकी बख्शीश नहीं है, और बहुत बढ़िया बात है यार, सारे बदमाश चुक दिए।
आज से 10 वर्ष पूर्व चले जाओ, क्योंकि हमारे समाज को खासतौर से हिंदू समाज को भूलने की बहुत बड़ी कमजोरी है कि भूल जाते हैं। 2014 से पूर्व अपने क्षेत्र की हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति को माप लीजिए। महिला सुरक्षा, सड़क, बिजली, किसान को उसका दाम मिलना, मतलब किसी भी चीज को देख लीजिए। क्राइम कैपिटल की राजधानी मुजफ्फरनगर को बोला जाता था। 2014 में माननीय योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सांसद बने और केंद्र में मंत्री बने। उसके बाद हमारी क्षेत्र की जो कमियां थी, समस्याएं थी, और सबसे बड़ी समस्या थी हमारी माताएं बहनों के साथ छेड़छाड़ गुनाना क्षेत्र में होती थी, किसानों के साथ बदतमीजी करते थे वे लोग। धीरे 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 समस्या खत्म होती गई। उसके बाद 2017 का चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में आता है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ठाकुर योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो भी ठाकुर है। सबसे बड़ी गर्व की बात तो दिल तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन जीत लिया था जब योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद हमारे क्षेत्र से विधायक उमेश मलिक रहे। कुछ कमियां प्रत्याशी से हो जाती है, छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, सबके फोन नहीं किए जा सकते, सबके काम नहीं किए जा सकते, कोई बात नहीं। उसके बाद 2019 का चुनाव आता है और विकास लगभग 50% हमारे क्षेत्र में जो अब है 50% हो चुका था, लेकिन हम क्या है कि अंगाई में आ जाते हैं। जब हमारे पास विकास, हर चीज, नेता, हमारे मतलब हर चीज उपलब्ध होती है ना, तो हम खामा खा की कमियां ढूंढने लगते हैं। 2019 का चुनाव जीते डॉक्टर संजीव बालियान, दोबारा यहाँ के सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद बिजली, सड़कें, यानी हर काम पर, मतलब विकास के हर कार्य पर उन्होंने ध्यान देकर हमारे क्षेत्र में काम कराया। लोकसभा में जितना भी काम आता था उसका 25% हमारी बुढ़ाना विधानसभा को मिलता था, जबकि लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद 2022 का चुनाव आया, हम ही लोगों ने मन बनाया इस बार उमेश मलिक का भुस भर लो। उमेश मलिक का भुस नहीं भरा, पेंशन आवे ठीक ठाक घर से भुस भरा गया हमारा कार्यकर्ताओं का, लेकिन वो सक्रिय विधायक है, केंद्र में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान है, बड़े भाई रामनाथ जी है, हमारे काम होते हैं। 2 महीने पहले हमारे क्षेत्र में बहुत ठीक ठाक माहौल था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। सरधना में उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि मैं बुढ़ाना विधानसभा की बात करूंगा, सरधना की बात नहीं करता। उनकी क्या बीमारी थी, क्या समस्या थी, वो उनकी बात थी, हमारे क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार की बीमारी पैदा नहीं हुई थी। अभी पीछे जी प्रचार चला कि 7 अप्रैल को ननोत्तम में एक महापंचायत होगी और पंचायत की भीड़ देख के मेरा भी दिल छोटा हुआ, हालांकि मैं पहुंचा नहीं, लेकिन लगा कि हाँ राजपूत एक हुए हैं और शायद कोई सही निर्णय लेंगे। मैं आप सभी सम्मानित लोगों से पूछना चाहता हूँ, कुशवाहा चौबीसी के क्या जो निर्णय लिया गया आपसे पूछ कर दिया गया, क्या कोई हाथ उठा सकता है कि मुझे पता था ये निर्णय लेंगे? बताओ लिया था क्या? हमें कैश करने का काम किया गया है, सीधा सीधा उनके जिम्मे फंडिंग पहुंची है और वे ठाकुर को परगलाने की और कैश करने की जिस दुनिया में किसी की औकात नहीं है, और हम कैश नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, थे, हमेशा रहेंगे।